देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका अब तक न्यूज इंडिया पर, मैं जाबिर शाह। दर्शकों, बात करेंगे जहां हम मालेगांव शहर के बाइये तरक्की और विकास की ओर बढ़ रहा है, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने और सुनने को मिलती है। वहीं बात करेंगे रमज़ानपुरा दयाना विभाग की, जो आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ की जनता 20 साल या 25 सालों से ये इलाका बसा हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों से हमने मुलाकात कर बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं। किसी ने कहा 15 साल, किसी ने कहा 12 साल, किसी ने कहा 20 साल, किसी ने कहा 7 से 8 साल हमको इस इलाके में आने के लिए हुए हैं। लेकिन अक्सरियत 15 साल के ऊपर से लोगों की यहाँ पर रह रही है। लेकिन आज भी ये इलाका वार्ड नंबर 3 गट नंबर 113 मरियम मस्जिद के पास, हनीफ नगर, महमूद अशरफ नगर, शकीला मस्जिद, जैबुन निसा मस्जिद, ये जो तमाम इलाके में रहने वाले लोग हैं, आज भी जब कल हमने देखा कि एक रोज़ बारिश हुई और पूरे इलाके का हाल ये हो गया कि लोग इस पानी से गुज़र रहे हैं। कीचड़ की बात तो हम यहाँ कर ही नहीं रहे कि ये इलाके में रहने वाले लोग आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर में, जहाँ सरकार विकास का नारा देती है, जहाँ सरकार नई नई स्कीमें लॉन्च कर रही है, वहाँ आज भी जनता इस तरीके के हालात से जूझ रही है, जी रही है। एक ही बारिश में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। चलने के लिए ना सड़क है, ना पानी के निकाल के लिए गटरों का कोई भी इंतज़ाम यहाँ पर है। इन सारी तकलीफ और परेशानियों को देखते हुए हनीफ नगर के नौजवानों की ओर से एक वार्ड की तरक्की के लिए मीटिंग कल बरोज़ इतवार शाम में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ये मीटिंग का इनकार किया गया। इस मीटिंग की सदारत रईस भाई ने फरमाई। मेहमान खुसूसी के तौर पर समाजवादी नेता मुस्तकीम डिग्निटी को यहाँ पर बुलाया गया, जबकि इस प्रोग्राम का आयोजन, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले अतीक शाह, इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये इलाका कब तक इस तरीके से रहेगा, जबकि ये इलाका एक मंत्री का इलाका है, सरकार में बैठे हुए MLA, सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर और उन्हीं के मतदार संघ में लोग आज भी इस तरीके की हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो सवाल तो उठेंगे ही। इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए निसार अहमद, जमील साहब चक्की वाले, शफीक मिस्त्री साहब, अस्पाक सेठ साहब, शफीक वेल्डर साहब, फैज़ अहमद साहब, अनीस अहमद, मोहम्मद अय्यूब अब्दुल अजीज़, इस्माइल बांगी, रमज़ान साहब, फजल बांगी, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, पापे, नदीम भाई, यवले वाले इसरार अहमद, शाहरुख शाह, मोहम्मद फारूक, ये सभी जो हनीफ नगर के नौजवान हैं, इन लोगों ने मुस्तकीम डिग्निटी को बुलवा कर अपनी परेशानियां सुनवाई है। जबकि मुस्तकीम डिग्निटी इस इलाके के ना कॉरपोरेटर है और ना कोई होदा उनके पास है, लेकिन जनता को ये उम्मीद और ये आस है कि कोई भी हमारे इन मसाइल को हल करवा दे और हमारे लिए आने जाने के लिए एक बेहतर रास्ता हो जाए। वार्ड से निकलने वाला गंदा पानी जो गटरों के ज़रिए निकल जाए, उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे बच्चे भी एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे वातावरण में ज़िंदगी गुजार सके। इन सारे मसाइल को लेकर यहाँ पर पूरा मोहल्ला जमा हुआ था, जहाँ पर नौजवानों के साथ साथ बुज़ुर्ग, बच्चे, महिलाएं, ख़वातीन, सभी लोगों ने यहाँ पर अपना दर्द बयान किया। तो वहीं मुस्तकीम डिग्निटी ने ठेकेदार को फ़ोन लगा कर कहा कि कहाँ तक रास्ता मंजूर है,
ये बताया जाए और इसका काम कब शुरू होगा ये बताया जाए। वहीं उसी के साथ साथ मुस्तकीम डिग्नेटी ने यह भी कहा कि मैं बहुत जल्द मालेगांव शहर के आयुक्त व प्रशासक कमिश्नर रविंद्र यादव से मुलाकात कर इस इलाके के लोगों की तकलीफ और परेशानियों से उन्हें आगाह भी करवाऊंगा और उसी के साथ उनका दौरा भी यहां पर करवाऊंगा। जब महिलाओं से हम लोगों ने मुलाकात की तो उनका दर्द काफ़ी ज़्यादा महसूस करने वाला था। उन्हें आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां हम अमृत योजना पार्ट टू का काम शुरू कर रहे हैं, वहीं आज भी इस इलाके में रहने वाली महिलाओं को अपने सरों पर पानी के हंडे लेकर पानी भरना पड़ता है। जहां हम घर घर पाइपलाइन और पानी की बात करते हैं, वहां इस दौर में आज भी महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। ये इलाका पूरी तरीके से मुस्लिम आबादी से कचागच भरा हुआ है, इसीलिए मस्जिद में आने वाले नमाजियों को भी बे इंतहा तकलीफ और परेशानियां होती है। इस बात का इजहार ख्याल मस्जिद के जिम्मेदारान ने भी किया है। उनका कहना भी यही है कि कोई भी हमारे इस मसाइल को हल करवा दे, हमें राजनीति और सियासत से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हमारे इस मसाइल को हल कर दे। आवाम इस तरीके से इस परेशानी से परेशान हो चुकी है, लेकिन देखना यह है कि आप कब इनके इन मसाइल पर लीडरान की नज़र पड़ेगी और कब यहाँ की जनता को भी चलने के लिए रास्ता और बहने के लिए पानी के लिए गटरे, पीने के लिए पाइपलाइन की लाइन, पाइपलाइन के कनेक्शन, इन सारी बुनियादी सहूलियात उन्हें मिलेंगी। जबकि यहाँ रहने वाले सभी लोग मालेगांव महानगर पालिका को टैक्स देते हैं, केरपट्टी भरते हैं, उसी के साथ साथ मालेगांव महानगर पालिका को यहाँ से आर्थिक फ़ायदा भी होता है और सियासी लीडरान यहाँ से जनता का वोट लेकर बड़े बड़े पद पर भी विराजमान होते हैं। लेकिन इन जनता की समस्या और मसाइल कब हल किए जाएंगे, ये सवाल जनता के मन में सालों से गूंज रहे हैं। क्या जनता का कसूर क्या है? हर चुनाव में कॉरपोरेटर को वोट दिया जाता है, एमएलए को वोट दिया जाता है और वोट देने के बाद जिन पर हम विश्वास करते हैं कि ये हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, वही हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। जनता इतनी नर्वस हो चुकी है कि अब वो आने वाले चुनाव में भी वोट देने के लिए जागरूकता उनमें दिखाई नहीं देती है। उनका कहना ये है कि वोट अगर हम किसी को देते हैं तो वो हमारे लिए क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें वोट देने के बाद भी आज भी इस गंदगी में, इन हालात में अगर जीना पड़ रहा है तो फिर वोट देने का क्या मतलब है? महानगर पालिका को टैक्स देने का क्या मतलब है? हमारे टैक्स के पैसों का इस्तेमाल फिर कहाँ हो रहा है, जब हम ही इन सारी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं? तो हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा? इसीलिए इलाके की आवाम ने खुद यहाँ पर अपने दर्द के लिए, अपने हक के लिए, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई है। अब देखना यह है कि इस इलाके में तामीराती काम कितनी जल्दी शुरू होते हैं, क्योंकि अक्टूबर में असेंबली के चुनाव भी है। हो सकता है कि सामने चुनाव है और लीडर को वोट चाहिए तो शायद जल्द से जल्द अवामी कामकाज भी हो जाए। हम मुबारकबाद देंगे कि अगर कोई लीडर इस तरीके से अवामी कामकाज को भले ही उनके अपने फ़ायदे के लिए क्यों ना करे, लेकिन कम से कम आवाम को फ़ायदा तो मिल जाए, उनकी तकलीफ़ और परेशानियां दूर हो जाए। मुस्तकीम डिग्नेटी ने यहां पर आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्द कमिश्नर का दौरा भी करवाऊंगा और मैंने एमएलए पालक मंत्री दादाजी भूसे से भी इलाके में कामकाज करने की दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है कि आप नासिक ज़िले के पालक है, पालक मंत्री है, यानी कि इस पूरे ज़िले के पालक है, तो इन जनता पर भी आप नज़र डालेंगे और उनकी तकलीफ और परेशानियों का निवारण भी आपको करना होगा। इस तरीके की बात भी मुस्तकीम डिग्नेटी ने यहाँ पर की है। आप देख रहे थे
अब तक न्यूज़ इंडिया, मैं जाबिर शाह फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सवाल के साथ, नए मुद्दे पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।